तो बच्चे क्लासिफिकेशन हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने लिखा था कि जो किंगडम है दैट इज एनिमेलिया, मतलब हम एनिमल्स की बात करेंगे। फिर हमने लिखा था कि एनिमल्स में हम किन एनिमल्स की बात करेंगे, वो हमें कौन बताएगा? फाइलम। फाइलम अगर मैंने यहाँ पे कॉर्डेटा लिख दिया तो हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे, जो जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, जिनके पास डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, फेरिंग्स में स्लिट्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, या कह लो कि पोर्स होते हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डेट तो फिश भी है, एम्फीबियन भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, तो उसमें हमें कौन बताएगा क्लास कि मैं किस कॉर्डेट की बात करने जा रहा हूं? अगर मैंने क्लास लिखिया मेमिलिया, मतलब जिसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, जिसके पास मेमरी ग्लैंड्स हैं, और जो विवीपेरस है, हम उन कॉर्डेट्स की बात करेंगे जिसकी बॉडी पे हेयर हैं। तो यहाँ से फिश निकल जाएगी, फिश की बॉडी पे हेयर्स आपको नजर नहीं आते हैं, फिश के पास मेमरी ग्लैंड नहीं होते हैं, फिश डायरेक्टली बच्चों को जन्म जो है वो नहीं देती है, मोस्टली ओवीपेरस होती है कुछ फिशेस को छोड़ के। इससे एम्फीबियन निकल जाएंगे, रेप्टाइल्स निकल जाएंगे, बर्ड्स निकल जाएंगे, बर्ड्स के पास जो है वो मेमरी ग्लैंड्स नहीं है, हेयर नहीं है बॉडी पे, तो सिर्फ कौन बचेगा? मैमल्स। अब मैमल्स भी बहुत सारे हैं, अब मैमल कैट भी है, डॉग भी है, लायन भी है, ह्यूमन भी है, मंकी भी है, गोट भी है, शिप भी है, तो किस मैमल की बात कर रहे हैं वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा बच्चे ऑर्डर, मतलब हर एक कैटेगरी में हमने करेक्टर सिमिलरिटी के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को और एनिमल्स को या प्लांट्स को कह लो कैटेगराइज किया हुआ है। ऑर्डर अगर मैंने लिखा यहाँ पे कार्निवोरा, तो मांस खाने वाले मैमल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो मैमल मांस खाते हैं, फ्लैश ईटर हैं। सो फ्लैश ईटर मैमल्स जो हैं वो भी अब बहुत सारे हैं। फ्लैश ईटर मैमल जो हैं उसमें आपको देखो कार्निवोरा में डॉग भी आ जाएंगे, कैट्स भी आ जाएंगे, डॉग्स या डॉग्स के जैसे भी इसी में आ जाएंगे, डॉग्स हो गए, फॉक्स होगी, जैकल हो गया, कैट या कैट्स के जैसे जो हैं, कैट्स कौन है? डोमेस्टिक कैट्स। इसके अलावा कैट्स के जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड। तो हम उन मैमल की बात करेंगे जो मांस खाते हैं। तो कार्निवोरा का मतलब क्या होता है? फ्लैश ईटर्स। तो अब आपके ध्यान में मैमल के बाद जब मैंने बोला ऑर्डर कार्निवोरा, तो मैमल्स कौन से मैमल्स आपकी ध्यान से निकल गए? देखो काऊ, बफेलो, शीप, गॉट, ये मांस नहीं खाते हैं, कैमल, हॉर्स, ये सारे निकल गए, ये सारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जितने भी हैं वो सारे आपके ध्यान से निकल जाएंगे, आपका ध्यान सिर्फ उस मैमल पे जाएगा जो मांस खाता है। वो डॉग्स हैं या कैट्स हैं? अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको, ऑर्डर ने भी उतना क्लियर नहीं किया कि मैं किस मैमल की बात करूंगा, क्या पता मैं कैट्स की बात करूंगा कि डॉग्स की बात करूंगा, बट मैमल की एक कैटेगरी को उसने रिप्रेजेंट किया है कि यार वो मैमल जो मांस खाते हैं, डॉग्स या डॉग्स के जैसे, कैट्स या कैट्स के जैसे। अब आपको क्या पता मैं डॉग्स की बात करने जा रहा हूं या कैट्स की बात करने जा रहा हूं, ये हमें कौन बताएगा? फैमिली फैमिली। मतलब आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपको स्पेसिफाई करती चली जाएगी। मैंने किंगडम एनिमिलिया लिखा था, आपको नहीं पता मैं किस एनिमल की बात करने जा रहा हूँ, बट जैसे ही मैंने फाइलम कॉर्डेटा लिखा आप समझ गए कि ओके, जो उन एनिमल की बात होगी जिनके पास नोटोकोड होती है, जिनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, जिनके जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल साइड पे होता है, सिंगल होता है और खाली होता है नर्व कॉर्ड, बट वो भी बहुत सारे हैं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी कि किस कॉर्डेट की बात होगी। तो आपको कॉर्डेट
के आगे अंदर कॉर्डेट में आपको फिशेज भी आते हैं, फिबियन भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, मैमल भी आते हैं, वो आपको क्लास ने बता दिया। अब क्लास में भी मैमलिया भी मैमल्स भी बहुत सारे हैं, किस मैमल की बात होगी वो आपको ऑर्डर ने बता दिया कि मांस खाने वाले मैमल्स की बात होगी। अब मांस खाने वाले मैमल भी बहुत हैं, उसमें से किसकी बात होगी वो आपको फैमिली बताएगी कि डॉग्स की बात होगी कि कैट्स की बात होगी। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फेलिडी, मतलब हम कैट फैमिली की बात कर रहे हैं, फेलिडी को बिलोंग करती हैं कैट्स। अगर मैं लिखता कैनिडी तो मैं बात करता डॉग फैमिली की, जिनके कैनाइंस बड़े होते हैं, दांत देखे होंगे आपने डॉग्स के, तो कैनिडी को बिलोंग करते हैं। तो फैमिली फेलिडी जो है वो कैट्स की फैमिली है। अब इस फैमिली में दोनों तरह की कैट्स आती हैं, डोमेस्टिक कैट्स भी आती हैं एंड वाइल्ड कैट्स भी आती हैं। अभी भी आपको क्लियर नहीं है कि मैं किस कैट की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि फैमिली तो दोनों की सेम है। जो आपके घर पे कैट है, हालांकि वो कुछ भी खा लेती है, उसने थोड़ा सा अपने आप को अडॉप्ट किया है, पेट लाइफ जो है वो ज्यादातर आप देखते हो, पेट्स जो है कॉमन पेट जो है वो डोमेस्टिक कैट आपको मिल जाता है। वाइल्ड कैट्स भी पेट्स हो सकती हैं, बट बहुत रेयर लोग रखते हैं। तो अभी भी आपको क्लियर नहीं है, बट आपको ये हो गया कि ओके फेलिडी में हम कैट्स जैसे जो दिखते हैं, जो जिनके पास कैट्स के करेक्टर हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। बट अभी भी क्लियर नहीं कि किस कैट की बात होगी, वो आपको कौन बताएगा कि किस कैट की बात होगी। जीनस, अगर मैंने जीनस लिख दिया पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है बच्चे वाइल्ड कैट्स का। अगर मैं जीनस लिखता फेलिस, फेलिस जो घरेलू कैट होती है, डोमेस्टिक कैट होती है, वो उसका जीनस है। तो जीनस पैंथेरा को बिलोंग करती हैं जो डेंजरस कैट्स हैं, जो वाइल्ड कैट्स हैं, जो अग्रेसिव कैट्स हैं, मोस्टली जो कैट्स होती हैं बच्चे, ये सोलिटरी लाइफ रहना पसंद करते हैं, जो फेलिडी का करैक्टर है। फेलिडी में हम उन कार्निवोर्स को रखते हैं जो ज्यादातर सोलिटरी लाइफ रहना पसंद करती हैं, ग्रुप में बहुत कम रहते हैं, वो झुंड में नहीं रहते हैं। जैसे आपने जैकल्स देखा होगा या डॉग्स देखे होंगे, डॉग्स जो हैं वो, कुछ डॉग्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, कुछ जैकल्स जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं, फॉक्सेस ग्रुप में रह सकती हैं, बट जो शेर है जहाँ आपने टाइगर देखा होगा वो ग्रुप में नहीं होता। आपने कभी 10-15-20 टाइगर का या 10-15-20 शेर का ग्रुप नहीं देखा होगा कभी। सॉलिटरी लाइफ रहना पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर के साथ एक या दो टाइगर या लायन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब पैंथेरा जो जीनस है उसमें वाइल्ड कैट आती है बच्चे। अब वाइल्ड कैट तो टाइगर भी है, लायन भी है एंड लेपर्ड भी है। अब आपको क्या पता मैं किस वाइल्ड कैट की बात कर रहा हूं? वाइल्ड कैट तो तीनों बिलोंग करते हैं, जीनस पैंथेरा को, टाइगर, लायन, लेपर्ड। वो आपको कौन बताएगा? स्पीसीज, जो कि स्पेसिफिक पार्ट है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीसीज लियो, तो मैंने ये जो क्लासिफिकेशन लिखी है ये लायन के लिए लिखी है। लायन की क्लासिफिकेशन आपके सामने है। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है, इजी हो जाता है काम, स्टडी करना इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। व्हाई वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, क्यों हम कैटेगराइज कर रहे हैं, क्यों टैक्सोनॉमी पे इतना जोर दे रहे हैं हम कि टैक्सोनॉमिस्ट बनना चाहिए। जैसे जैसे नई स्पीसीज हम ढूंढते जाएंगे, उनको आप क्लासिफाई करते जाओगे, कैटेगराइज करते जाओगे, तो इट मेक्स स्टडी इजियर। आपको बहुत ज्यादा वर्ड या बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बोला कार्निवोर, आप समझ गए कि मांस खाने वाले मैमल्स की बात कर रहे हैं सर। मैंने बोला पैंथेरा, आप समझ गए कि वाइल्ड कैट्स की बात कर रहे हैं, टाइगर, लायन और लेपर्ड की बात होगी और किसी एनिमल की बात नहीं होगी यहाँ पे। और उसमें से किसकी बात होगी, वो स्पीसीज, दैट इज व्हाई स्पीसीज इज अ स्पेसिफिक पार्ट। स्पीसीज तो स्पेसिफाई कर देगी ना। मैंने पैंथेरा बोला, आपका ध्यान तीनों की ओर गया,
टाइगर लायन और लेपर्ड की ओर। अब मैं उसमें से किसकी बात करूंगा, जब मैं स्पीसीज बोलूंगा तो मतलब ये समझ लेना है कि मैंने पिन पॉइंट कर दिया उसकी ओर उंगली कर दी कि मैं इस कैट की बात कर रहा हूँ। मैंने पैंथरा लियो बोला तो मैंने लाइन की ओर उंगली की है कि मैं लाइन की बात कर रहा हूँ उसको देखो। मैं पैंथरा टिग्रिस बोलता तो आपका ध्यान टाइगर की ओर जाता। मैं पैंथरा पार्डस बोलता तो आपका ध्यान जो है वो लेपर्ड की ओर जाता। मतलब स्पीसीज तो आपको स्पेसिफाई कर देगी कि इस एनिमल की बात हो रही है, और कोई भी चीज आपको उतना स्पेसिफिकली नहीं बोलेगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा ने उस ये बोला है कि मैं मांस खाने वालों की बात कर रहा हूँ, बट मांस खाने वाले बहुत हैं, उसमें से एक एनिमल को थोड़ा ना बताया उसने। मांस तो बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, कैट्स खाती हैं, डॉग्स खाती हैं, डॉग्स के जैसे खाते हैं, कैट्स के जैसे खाते हैं। मैंने फेलिडी बोला तो फेलिडी में कैट्स आ जाती हैं सारी, चाहे वो डोमेस्टिक कैट है चाहे वाइल्ड कैट है। तो उसने भी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी कि किस कैट की बात होगी। मैंने जीनस पैंथरा लिखा तो पैंथरा में भी टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, लेपर्ड भी आता है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी कि किस कैट की या किस वाइल्ड कैट की मैं बात कर रहा हूँ। बट जब मैंने स्पीसीज बोला तो आपको क्लैरिटी होगी कि ओके इस एनिमल की बात हम करना चाह रहे थे। तो लास्ट पे अगर लियो लिख दोगे तो लाइन की बात हो रही है, लास्ट पे टिग्रिस लिख दोगे तो टाइगर की बात हो रही है, पार्डस लिख दोगे तो लेपर्ड की स्पीसीज को हम पार्डस बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्लासिफिकेशन कीजिए, 7 कैटेगरीज और 7 हायरार्की रैंक्स हैं जिनके अंदर हम अकॉर्डिंग टू करेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, और हर एक लेवल पे हम टैक्सा बोलते हैं इसे। किंगडम एक अलग टैक्सा है, फाइलम अलग टैक्सा है, क्लास अलग टैक्सा है, ऑर्डर अलग टैक्सा है, फैमिली, हर एक लेवल एक अलग टैक्सा है। टैक्सा क्या होता है और टैक्सा और टैक्सॉन होता क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप किंगडम के लेवल पे खड़े हो तो सारे एनिमल सिमिलर हैं, तो किंगडम एक अलग टैक्सा है, ब्रॉड टैक्सा है। क्यों सारे एनिमल सिमिलर हैं? सभी के पास सेल वॉल नहीं होती, सभी के जो एनिमल हैं वो सारे मल्टी सेलर हैं, सारे अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो एनिमिलिया जो है वो एक अलग टैक्सा है, उसमें सिमिलर ग्रुप हमने रखे हुए हैं। इस एनिमिलिया में हमने कोई प्लांट तो नहीं रखा हुआ क्योंकि प्लांट के करेक्टर अलग है, ना हमने कोई फंजाई रखा है, सिर्फ एनिमल जो हैं जो एक जैसे हैं वो रखे हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में क्या आता है? जिसके पास नोटोकोड है वर्टिब्रल, इसके पास नोटोकोड के अलावा पेड़ फ्रेंजिल गिल स्लिट्स हैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, तो सारे कॉर्डेट एक अलग टैक्सा हो गए। अब जो बाकी एनिमल बच गए वो इस टैक्सा को बिलोंग नहीं करेंगे, अगर आप फाइलम पे खड़े हो वो कॉर्डेटा को बिलोंग नहीं करेंगे। जो नॉन कॉर्डेट्स रह गए, इंसेक्ट वगैरह जो है, इंसेक्ट वगैरह एक अलग टैक्सा है। अब कॉर्डेट्स में भी फिशेज भी आती हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, मैमल भी आते हैं। मैमल अलग टैक्सा है, फिशेज अलग टैक्सा होंगी क्योंकि सारी फिशेज एक जैसी हैं, एम्फीबियन अलग टैक्सा होंगे क्लास के लेवल पे। तो क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास मैमिलिया, क्लास एवियन, और फिशेज की क्लास जो है पाइसेस। तो क्लास के लेवल पे मैमल अलग टैक्सा हुए, क्यों? क्योंकि सारे मैमल एक जैसे हैं, सबकी बॉडी पे हेयर है, सभी के पास मेमोरी ग्लैंड है, सभी विवीपेरस हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। क्लास के लेवल पे अगर मैं एम्फीबिया बोलूंगा तो एम्फीबियन अलग टैक्सा है क्योंकि सारे एम्फीबियन एक जैसे हैं, डुअल मोड ऑफ लाइफ है, आधा लाइफ पानी में रहते हैं, आधा लाइफ बाहर रहते हैं, टेट्रापोड हैं, गिल्स भी प्रेजेंट हैं, लंग्स भी प्रेजेंट हैं, एम्फीबियंस का खास करेक्टर है, तो वो एक अलग टैक्सा है। सिमिलरली आप ऑर्डर पे खड़े हो तो मैमल्स में कार्निवोरा एक अलग टैक्सा है, और जो अगर मैं जरूरी नहीं कि मैंने कैट्स और लायंस की बात करनी है, आप ह्यूमन की बात करते तो हमारा ऑर्डर कार्निवोरा नहीं है, हम कार्निवोरा को बिलोंग नहीं करते, हम बिलोंग करते हैं प्राइमेटा ऑर्डर को। तो ऑर्डर कार्निवोरा एक अलग टैक्सा है, क्यों? क्योंकि सारे इसमें मांस खाने वाले हैं, और ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? टैक्सा होता है। फैमिली एक अलग टैक्सा है, जीनस एक अलग टैक्सा है, और स्पीसीज एक अलग टैक्सा है। किस लेवल पे खड़े हो उसी लेवल के ऊपर टैक्सा जो है वो आपका ऊपर से लेके नीचे तक जब आप मूव करोगे वो वेरी करता रहेगा। ये तो थी बच्चे कॉर डेटा में, मैंने कैट्स और डॉग्स की ऑर्डर कार्निवोरा की एग्जांपल आपने दे दी। अगर आपने इसकी एग्जांपल देनी, आप खुद की ह्यूमन की एग्जांपल दे लो। फॉर एग्जांपल हमारा किंगडम क्या आएगा जी?
हम भी एनिमल्स हैं तो एनिमेलिया। फाइलम क्या आएगा? हम कॉर्डेट हैं, कॉर्डेटा। क्लास क्या आएगी? मैमल ही हैं हम भी, मेमेलिया। ऑर्डर क्या आएगा? हमारा ऑर्डर कार्निवोरा नहीं है, हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, जिनकी बॉडी के जिनके डिजिट्स के ऊपर नेल्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये नेल्स हैं, हम कार्निवोरा प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं। नेल्स प्रेजेंट ओवर डिजिट्स, ये तीन ही एनिमल हैं, तीन ही प्राइमेट्स हैं अभी के लिए, अगर हम मेजर प्राइमेट्स की बात करें। हालांकि लेमूर, लॉरिस, टारसियस भी प्राइमेटा को बिलोंग करते हैं, तो छह लगा लो, लेमूर, लॉरिस, टारसियस, फिर आपके मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। तो प्राइमेटा को कौन कौन बिलोंग करता है? मंकी, एप्स, ह्यूमन, ये तीन मेजर प्राइमेट्स हैं। अदरवाइज लॉरिस, टारसियस, ये भी प्राइमेट्स हैं। अब प्राइमेटा मैंने बोला तो आपको लगा कि मंकी, एप और ह्यूमन तीनों में से किसी की भी बात हो सकती है। अब किसकी बात होगी ये आपको कौन बताएगा? फैमिली। अगर मैंने फैमिली लिखी सेबीडी, तो जो मंकी हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी की बात होगी। अगर मैंने फैमिली लिखी सर्कोपिथेसीडी, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात होगी। अगर मैंने फैमिली लिखी ह्यूमिनिडी, तो ह्यूमंस की बात होगी। जीनस हमारा है होमो, और स्पीसीज हमारी है सेपियंस। ये होगी ह्यूमन की क्लासिफिकेशन। तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है बच्चे, हर एक स्टेप को, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे हैं। हु कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, वो ग्रुप एक जैसे ऑर्गेनिज्म का। देखो सारे ह्यूमन एक जैसे हैं क्योंकि सभी की स्पीसीज क्या है? सेपियंस। सारे लायन एक जैसे हैं, सभी की स्पीसीज क्या है? लियो। सारे टाइगर एक जैसे हैं, सारे लेपर्ड एक जैसे हैं क्योंकि सभी की स्पीसीज कॉमन है। सो व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हु कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस, वो ग्रुप एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में नेचर में मेट कर सकता है, ब्रीड कर सकता है, और अपने ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल पैदा कर सकता है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं किसी बच्चे को बताओ बच्चे? जो फिर दूसरे को जन्म दे सकेगा, जो फिर दूसरा जो अपने बच्चे को जन्म रिप्रोड्यूस दे कर सके, पाएगा। अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो आप अब स्पीसीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनको एक्सप्लेन करना है आपने, फैलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस ये क्या है बच्चे? किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है। किंगडम के अंदर फाइलम होते हैं। अब देखो किंगडम के अंदर फाइलम कॉर्डेटा भी है, और किंगडम के अंदर फाइलम नॉन कॉर्डेट्स भी हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेटा के कितने सारे फाइलम है। किंगडम को फाइलम कॉर्डेटा भी बिलोंग करता है, और किंगडम के अंदर आपको नॉन कॉर्डेट जो इनवर्टिब्रेटा के फाइलम हैं, ये देखो कितने मिलेंगे। इसमें आपको पोरीफेरा मिल जाएगा, फाइलम है पोरीफेरा, पहला फाइलम है इनवर्टिब्रेट का। सिलेंट्रेटा मिल जाएगा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स के इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम है। आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एनिलिडा। तो देखो किंगडम के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठवां कॉर्डेटा, नौवां एकाइनोडर्मेटा। तो कितने फाइलम है? दैट मीन्स किंगडम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइलम्स। फाइलम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस, क्यों? क्योंकि कॉर्डेटा में एक ही क्लास लिखी है मैंने, तो यहाँ पे मैं मिलिया। अब कॉर्डेटा में तो बच्चे
फिशेस की क्लास भी आती है, अम्फीबिया भी आती है, रेप्टिलिया भी आती है, और एवियन भी आती है, एंड मैमिलिया भी आती है। कॉर्डेटा में आगे क्या आती है, फाइलम के अंदर क्या आती है क्लास? अब कॉर्डेटा में मैमिलिया लिख सकते हो आप, अम्फीबिया भी लिख सकते हो, रेप्टाइलिया भी लिख सकते हो। अब जो जो भी यहाँ पे लिखोगे आगे आप उसी की बात करोगे। अगर मैंने यहाँ पे मैमिलिया लिखी है तो मैंने आगे मैमल की बात की है, देखो यहाँ पे ह्यूमन की बात की है, ह्यूमंस आर मैमल। यहाँ पे अगर मैंने मैमिलिया लिखा है तो लायन की बात की है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैमिलिया लिख के आगे आप बर्ड्स की बात करना शुरू कर दोगे, जहाँ आप रेप्टाइल्स की या फिशेस की बात करोगे, यहाँ पे मैमिलिया नहीं लिखोगे। फिर आप, आपको फिशेस की बात करनी है या एम्फीबियंस की बात करें तो यहाँ पे क्लास लिखोगे एम्फीबिया। कॉर्डेटा की ही क्लास है, कॉर्डेटा की ही क्लास मैमिलिया है, कॉर्डेटा की ही एम्फीबिया है, कॉर्डेटा की ही रेप्टिलिया है, कॉर्डेटा की ही एवियन क्लास है। ये देखो मैंने लिखी हुई है सारी। तो फाइलम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ये बड़ा सिंपल है। क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब मैंने क्लास अगर ममिलिया लिखी तो उसका ममिलिया का एक ऑर्डर प्राइमेटा है और उसी ममिलिया का दूसरा ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। तो एक ही क्लास में दो ऑर्डर की एग्जांपल मैंने आपको दी है। किसी क्लास में दो ऑर्डर होंगे, किसी में पांच होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 50 होंगे, किसी में 100 होंगे। हर क्लास में अपने अलग अलग ऑर्डर हैं, दैट मीन्स क्लास के अंदर ऑर्डर है। और ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब देखो मैंने ऑर्डर में कार्निवोरा में फैलिडी फैमिली भी लिखी है, और इसी ऑर्डर कार्निवोरा की फैमिली कैनिडी भी है। कार्निवोरा की ही फैमिली है ना कैनिडी, कार्निवोरा की ही फैमिली है फैलिडी। इसी तरीके से किसी ऑर्डर में एक फैमिली होगी, किसी में दो ही होंगी, किसी में चार होंगी। जैसे हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, इसमें फैमिली होमिनिडी भी है, किसकी है, ह्यूमंस की। अब एप्स की फैमिली भी होगी, एप्स की फैमिली, अगर मैं एप्स की क्लासिफिकेशन लिखता तो यहाँ पे फैमिली लिखता पोंगिडी। अगर मुझे मंकी की लिखनी होती तो मैंने आपको बताई थी सेबीडी लिखता या सर्कोपिथेसीडी लिखता। तो प्राइमेट ऑर्डर में चार फैमिलीज हैं, ह्यूमंस की फैमिली, एप्स की फैमिली और मंकी। मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, न्यू वर्ल्ड मंकी है। तो ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। फैमिली में रिलेटेड जीनस होते हैं, कैसे? यहाँ पे देखो फैमिली फैलिडी है। अब फैलिडी में जीनस पैंथेरा भी पड़ा है और फैलिडी में जीनस डोमेस्टिक कैट्स का फेलिस भी पड़ा है। फेलिस एंड पैंथरा आर जीनस। अगर मैं जीनस फेलिस लिखता तो मैं डोमेस्टिक कैट्स की बात करता, अगर मैं जीनस पैंथरा लिखा है तो मैंने वाइल्ड कैट्स की बात की है। तो फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। एक फैमिली में रिलेटेड जीनस हो सकते हैं, हमारा तो जीनस ही एक है, तभी आपको होमिनिडी में एक ही जीनस और एक ही स्पीसीज मिलेगा। ह्यूमंस में तो जीनस ही एक है, एक ही स्पीसीज है। सो किंगडम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फाइलम्स, फाइलम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, क्लास, क्लास कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड जीनस, और एक जीनस में क्या होती हैं, स्पीसीज होती हैं रिलेटेड। जैसे जीनस पैंथेरा है, उसी की स्पीसीज लियो है, पैंथेरा की ही स्पीसीज टिग्रिस है, पैंथेरा की ही स्पीसीज पार्डस है। एक ही जीनस में एक दो तीन स्पीसीज आपको दिख रही है यहाँ पे। तो जीनस कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, वो तो हमारा जीनस एक है और हमारी स्पीसीज भी एक है, हमारी कोई और स्पीसीज है ही नहीं। तो होमो सिंगल जीनस है, सिंगल स्पीसीज है, सेपियंस। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है बच्चे, हर एक चीज को कि क्या होता है। मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया है फाइलम क्या है। फाइलम आप समझ जाओगे कि सेकंड कैटेगरी है, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को करेक्टर के हिसाब से, इन इन करेक्टर के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं। उस फाइलम में क्लासेस होती हैं, क्लास में ऑर्डर्स रखे होते हैं, ऑर्डर में फैमिलीज रखी होती हैं, फैमिली में जीनस रखे होते हैं और जीनस के अंदर स्पीसी रखी होती हैं। किसी जीनस में एक ही स्पीसी होती है, किसी जीनस में तीन होती हैं, किसी में पांच होती हैं, किसी जीनस की 10 स्पीसी होती हैं, किसी जीनस की 100 स्पीसी भी हो सकती हैं। प्लांट्स में आपको हर जीनस की स्पीसी ज्यादा मिलेंगी। आपको इंसेक्ट्स में हर जीनस की स्पीसी ज्यादा मिलेंगी, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स में मिलेंगी आपको। एक आधी एग्जाम्पल आप इंसेक्ट के साथ भी कर लो, क्योंकि ये एंटोमोलॉजी है। अगर आप एग्जाम्पल इंसेक्ट के साथ देना चाहते हो, कोई इशू नहीं। आप चाहे इनको इस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो, चाहे आप इनको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज को
इस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो, कोई इशू नहीं है। चाहे हम एक आधा फाइलम जो है, अभी तक दोनों मैंने कॉर्डेटा की एग्जाम्पल दी है आपको, अभी चलो हम नॉन कॉर्डेटा की एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंसेक्ट्स की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आपको इजी रहे, जो भी आपको इजी लगे उसी के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर देना। तो नॉन कॉर्डेटा की अगर क्लासिफिकेशन हमें करनी हो तो किंगडम तो सेम ही रहेगा एनिमेलिया, हम एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं। फाइलम, बच्चे नॉन कॉर्डेटा में आगे बहुत सारे फाइलम हैं, नॉर्मली हम इनवर्टिब्रेटा बोल देते हैं, इनवर्टिब्रेटा भी लिख दोगे तो चल जाएगा, बट इनवर्टिब्रेटा में किस इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है, अर्थवर्म की हो रही है, टेपवर्म की हो रही है, राउंड वर्म की हो रही है, मोलस्क की हो रही है, इंसेक्टा की हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर्थ्रोपोडा। मान लो आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड फीट वाले एनिमल, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा का मतलब होता है फीट। जिन एनिमल्स के पास ज्वाइंटेड फीट है तो हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, मतलब हम इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा की बात नहीं कर रहे, हम इनवर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं। अब इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड्स भी बहुत सारे हैं, देखो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट भी आता है, आर्थ्रोपोडा में आपका प्रॉन जो झींगा है, जो 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 लोग खाते हैं झींगे को, प्रॉन भी आता है आर्थ्रोपोडा में, आपकी वो जो है स्पाइडर, स्पाइडर भी आती है आर्थ्रोपोडा में, आपके क्रैब्स भी आते हैं। बोलो बच्चे। सर क्लासेस होते हैं उसमें बहुत अलग क्या बच्चे? अलग, सर क्रस्टेशिया आता है शायद स्पाइडर में। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास आपको बताएगी बच्चे कि किस आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है। अब क्लास इंसेक्टा भी हो सकती है, क्लास क्रस्टेशियंस भी हो सकती हैं, है ना, अलग अलग क्लासेस हैं इसमें। स्पाइडर की क्लास अलग होएगी, प्रॉन की क्लास जैसे क्रस्टेशियंस हैं, स्पाइडर आ जाएगा इसमें, आपके क्रैब्स आ जाएंगे, प्रॉन आ जाएगा, तो क्लास आपको बताएगी कि हम किस आर्थ्रोपोड की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया इंसेक्टा, तो मैं उस आर्थ्रोपोड की बात कर रहा हूं जिसके पास थ्री पेयर ऑफ लेग्स हैं, जिसके पास टू पेयर ऑफ विंग्स हैं। हम सिर्फ उन आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे जिनके पास ये वाले करेक्टर हैं, बॉडी के तीन रीजन हैड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब इंसेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, अब इंसेक्ट बटरफ्लाई भी है, ग्रास हॉपर भी है, कॉकरोच भी है, बीटल भी है, बग भी है, मैं किस इंसेक्ट की बात कर रहा हूं वो आपको कौन बताएगा ऑर्डर। अब क्लास इंसेक्टा में बहुत सारे ऑर्डर हैं, अगर मैं क्लास इंसेक्टा के ऑर्डर्स लिखना शुरू करूं तो 30-31 ऑर्डर आपको मिलेंगे, बट मेन मेन ऑर्डर मैं लिख देता हूं। लेपिडोप्टरा भी इसी का ऑर्डर है, ऑर्थोप्टरा भी इसी का ऑर्डर है, हेमिप्टेरा भी इसी का ऑर्डर है, कोलियोप्टरा भी इसी का ऑर्डर है, हाइमनोप्टरा भी इसी का ऑर्डर है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं क्लास इंसेक्टा के, सारे क्या हैं ऑर्डर, मेन ऑर्डर मैंने आपको लिख दिए। आइसोप्टरा लिख लो, डिप्टरा लिख लो, ये मेन लो, मान लो आठ ये मेन ऑर्डर मैंने आपको लिख दिए, बहुत सारे ऑर्डर हैं क्लास इंसेक्टा के। इसमें बटरफ्लाइज आती हैं, इसमें ग्रास हॉपर आता है, इसमें बग्स आती हैं, मैं लिख देता हूं कि इसमें बटरफ्लाइज, इसमें ग्रास हॉपर, इसमें बग्स, इसमें बीटल, इसमें आपकी बीज, वेस्प, इसमें आपकी टर्माइट्स, इसमें आपकी हाउस फ्लाइज। तो किस ऑर्डर की बात हो रही है यहां से मैं देख लू, मान लो मुझे हनी बीज की बात करनी है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा हाइमनोप्टरा, जिनके पास स्टिंग होता है जी,
वो इंसेक्ट जो स्टिंग कर सकता है, जिसकी क्वीन के पास या जिसकी फीमेल के पास स्टिंग होता है, हाइमनोप्टरा। अब हाइमनोप्टरा में बीज भी आती हैं, वैस्प भी आती हैं, एंट्स भी आती हैं। अब किसकी बात हो रही है ये आपको कौन बताएगा? फैमिली। फैमिली अगर मैंने एपीडीडी लिखती, तो एपीडीडी को बिलोंग करती है हनी बीज। अब हनी बीज की भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। किस हनी बी की बात हो रही है? जीनस और स्पीसीज बताएंगे। जीनस एपिस और स्पीसीज बहुत सारी हैं। अब एपिस जीनस में देखो, एपिस जीनिक्स की स्पीसीज का नाम है मेलीफेरा, एपिस की ही स्पीसीज का नाम है फ्लोरिया, एपिस की ही स्पीसीज का नाम है डॉर्सेटा, एपिस की ही स्पीसीज का नाम है सिराना, एपिस की ही स्पीसीज का नाम है इंडिका। तो एक ही जीनस में 1, 2, 3, 4, 5 स्पीसीज मैंने यहाँ पे लिख दी। वो तो हमारा जीनस है ना जिसमें एक ही स्पीसीज है, होमो सेपियंस। बट अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे जीनस हैं जिसमें स्पीसीज का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी तो मैंने यहाँ पे 4-5 ही लिखी है। एपिस जीनस की तो बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो जीनस कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये सारी रिलेटेड स्पीसीज हैं, सारी हनी बीज की स्पीसीज हैं, हनी बी की स्पीसीज हैं ये। हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस सराना इंडिका। जो हम कल्चर करते हैं वो ये मेलिफेरा है, जो आप हनी बी के लिए कल्चर करते हो हनी बीज को। तो एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी है, यूरोप से लाई गई थी इंडिया में, तो इसको हम कल्चर करते हैं। तो आप इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन लिख सकते हो बच्चे, आप ये भी लिख सकते हो, आप बटरफ्लाई के लिखना चाहते हो बटरफ्लाई के लिख सकते हो। बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर बटरफ्लाई का कौन सा है? लेपिडोप्टरा। हाइमनोप्टरा क्यों लिया था? हमने उस इंसेक्ट की बात की जिसके पास स्टिंग होता है। माइक ऑफ करो बच्चे अपना। पंखा पंखा बंद करना, माइक ऑफ करो। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो आप किसी की भी एग्जांपल देके कर सकते हो इसको। बस अगर आपको हाउस मान लो बटरफ्लाई की एग्जाम लिखना है क्लासिफिकेशन, तो यहां तक सेम रहेगा, ऑर्डर आ जाएगा लेपिडोप्टरा। अब फैमिली किस बटरफ्लाई की बात करना चाहते हो आप? बटरफ्लाईज बहुत सारे टाइप की हैं। कुछ स्वालो टेल बटरफ्लाईज होती हैं, आपने देखा होगा कुछ बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर ना जैसे लास्ट पे टेल होती है, पूंछ होती है छोटी सी, वैसे एक्सटेंशन होती है विंग के ऊपर, तो उनको हम स्वेलो टेल बटरफ्लाई बोलते हैं। आपने कैबेज बटरफ्लाई देखी होगी, पेरिस जो फैमिली की है पेरिडी, तो उसमें आपने सल्फर बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई वो देखी होंगी। तो आप किस बटरफ्लाई की बात करना चाहते हो यहाँ पे, वो फैमिली आप मेंशन कर देना। स्वेलो टेल बटरफ्लाई की बात करना चाहते हो तो पेपिलिनोइडी आ जाएगा। अगर आप वो सल्फर बटरफ्लाई, कैबेज बटरफ्लाई की बात करना चाहते हो तो पेरिडी आएगा यहाँ पे। अगर किसी और की बात करना चाहते हो निम्फेलिडी आ जाएगा। मतलब लेपिडोप्टर में आगे बहुत सारी फैमिलीज हैं, हमने एक एक करके पढ़नी भी है सारी, आपके सिलेबस में हैं भी कुछ इंपॉर्टेंट।